हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले लुमनस का इकोवाट एक्सल 1650 वी का इन्वर्टर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको हमने चार्जिंग पे लगा रखा है। आप देख सकते हैं, आपको सारे के सारे एलईडी इंडिकेटर्स आपको सामने में देखने को मिल जाता है। आपको एक यूपीएस का बटन मिल जाता है, जिससे कि आप इसको ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं यूपीएस को। फिलहाल ये यूपीएस चार्जिंग में है दोस्तों, आप देख सकते हैं। लुमनस ये काफ़ी बड़ा इन्वर्टर है और काफ़ी वजनदार इन्वर्टर भी है। इसके साथ हमने डिजिटल मीटर सेट कर दिया, ताकि हमें सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। लगभग ये 15-20 मिनट से ये चार्ज हो रहा है। आप देखते हैं, इस पे मीटर पे आधा यूनिट का लगभग बिल भी उठ चुका है। दोस्तों, साइड से आपको इस तरह का वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। आपको बैक साइड से हम दिखाते हैं। अब बैक साइड से आपको यहाँ पर देखते हैं, आउटपुट के दो दो सॉकेट हैं, और साथ में आपको यहाँ पीछे में आपको एक सर्किट ब्रेकर मिल जाता है, जो कि आपका है स्विच टाइप से प्रेस करने के लिए। इससे कि शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोड होने पर यह बाहर की ओर आ जाता है, इसको आपको प्रेस करना होता है। साथ ही यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है लुमनस ने, इकोवाट एक्सल 1650 रैपिड 12 वोल्ट। आउटपुट के जो दो सॉकेट हैं, इस पर नीचे में लोड टाइप बना रखा है। एक पे आपको हैवी लोड है और एक पे नॉर्मल लोड है। आप देख सकते, एक 6 एम्पियर का और एक दूसरा जो है वो 15 एम्पियर का सॉकेट है। साथ साथ आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं, जो कि इको, यूपीएस, बैटरी टाइप और चार्जिंग करंट है। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों, आप जिसके नीचे में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह देखने को मिल जाता है। साइड में आपको एक एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है, जो कि जब से इसको मैंने चार्ज पर लगाया तब से ये कंटिन्यू चल रहा है, एक मिनट भी ये रुका नहीं है। दोस्तों, इसके साथ हमने जो बैटरी कनेक्ट किया है वो एक साइड का है। आपको हम बैटरी भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप देखते हैं, एक्साइट इनवर्ट ट्यूबलर बैटरी है, जो कि 66 मंथ की वारंटी के साथ है। इसका मॉडल नंबर IT850, जो कि आप देख सकते हैं एडवांस ट्यूबलर बैटरी है। दोस्तों, इसका वजन जो है वो 80 kg के आसपास का है, तो काफ़ी हैवी बैटरी है। 78 से 80 kg अगर बैटरी के में वाटर फुल हो तो काफ़ी हैवी बैटरी है। इसको उठाने पर हालत ख़राब हो जाता है। आपको बैटरी में 6 के 6 इंडिकेटर्स दिखने मिल जाते हैं, जो कि सभी सेल पे है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका बैटरी में जो वाटर है वो कहाँ तक है। सारे इंडिकेटर्स से आपको सारे सेल का वाटर का आइडिया मिल जाता है। दोस्तों, हैवी इन्वर्टर के साथ हैवी बैटरी भी है। दोस्तों, इस इन्वर्टर को हम रात भर चार्ज करेंगे बैटरी को, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना बिजली का बिल ये उठाता है। दोस्तों, कुछ वार्निंग है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साइड में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दे रखा है इन्वर्टर पे। और इस साइड आपको देखते हैं लुमनस केयर का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी गाइज, आप देख सकते हैं, डिजिटल मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है और कितना पावर फैक्टर है, वो सारा फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है। सामने से कुछ इस प्रकार का इन्वर्टर देखने को मिलता है। आपको सारे के सारे LED इंडिकेटर्स ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं आपको पीछे की ओर डिजिटल बूट करके दिखा देता हूँ। अब एक बार मैं इसको फोकस में कर लूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, डिजिटल बोर्ड को मैंने बैक साइड कर लिया फोकस पे। आप देख सकते हैं, अभी जो बिजली का यूज़ कर रहा है 294 वाट का यूज़ कर रहा है, और वोल्टेज जो है 203 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेटिंग है चार्जिंग करेंट का, जो कि हाई और लो होता है। अब ये नॉर्मली चार्ज हो रहा है बैटरी। जैसे ही इसको मैं चेंज करूँगा, आप देखिए 400 वाट के लगभग बिजली का यूज़ करने लगा। उस टाइम लगभग 300 वाट का यूज़ कर रहा था, यानी कि 100 वाट का इंक्रीजमेंट अभी देखने को मिला। जैसे ही आप इसके हाई करंट चार्जिंग को ऑन करते हो, तो 100 वाट एक्स्ट्रा लोड इस पर पड़ गया है। इससे क्या होगा कि बैटरी काफ़ी तेज़ी से चार्ज होगा। वैसे एरिया में जहाँ पे बिजली काफ़ी कट होता है, पावर कट, तो वहाँ पर ये वोट काफ़ी सही है। चार्जिंग का हाई मोड और लो मोड, अगर आपके एरिया में पावर कट काफ़ी कम है तो आप नॉर्मली इसे चार्ज करें। अगर पावर कट ज़्यादा है तो आप ही इसे हाई पे कर दें। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा भी लाइट नहीं आएगा काफ़ी देर तक, तो आपका बैटरी जल्दी से चार्ज होके तैयार रहेगा। इसको वापस से मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ एक बार। अब देखना, 404 वाट दिख रहा है,
नॉर्मल मैंने ऐसे कर दिया है, धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा। अभी नॉर्मल पे हुआ नहीं है, इसको मैं एक बार फिर से नॉर्मल पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्मल पे जाने के साथ आपको 290 वाट दिख रहा है मीटर पे, यानी कि 100 वाट डाउन हो गया, लगभग 100 वाट ही हम लोग कहेंगे। थोड़ा सा 10-20 वोल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर इस इन्वर्टर का, ज़बरदस्त, और सारे तरह के बैटरी का ये सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्यूबलर हो, फ्लैट हो, जो भी हो। तो बैटरी का जो टाइप है आपका, उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इससे कर देने से आपका परफॉर्मेंस जो है इन्वर्टर का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फ्रंट लुक दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, साइड में 12 वोल्ट लिखा है। ये रैपिड 12 वोल्ट का मतलब दोस्तों यही है कि जैसे आप इंडिकेटर देखते हो रैपिड का ऑन हो रहा है, इसका मतलब बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो रहा है, फास्ट चार्जिंग इसका ऑन है। फास्ट चार्जिंग आप ऑफ कर दोगे तो ये रैपिड का जो इंडिकेटर है ये ग्लो नहीं होगा और नॉर्मली बैटरी चार्ज होती रहेगा। ये जो रैपिड का देख रहे हैं इंडिकेटर, ये फास्ट चार्जिंग को इंडिकेट करता है। मीटर पे देखिए 400 वाट का लोड दिख रहा है, क्योंकि अभी रैपिड मोड इसका ऑन है, यानी कि फास्ट चार्जिंग स्टार्ट है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं किस तरह से रैपिड का जो इंडिकेटर है बार बार ग्लो कर रहा है कंटिन्यूस। इससे यही फायदा है कि बैटरी काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। आपके पास यदि पावर काफ़ी कम देर के लिए आता है तो ये मोड आपके लिए काफ़ी सही है। दोस्तों अभी देखते हैं मीटर पे लगभग 2.63 यूनिट बिजली का यूज हो चुका है और वाटेज जो है वो 440 वाट के आसपास अभी ले रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो 250 हो गया है बढ़ के। पावर फैक्टर जो है वो 8.6 है। बैटरी जो था पूरा डीपली डिस्चार्ज हो गया था गाइस, मतलब 0% पे बैटरी चले गया था, इन्वर्टर ऑफ हो गया था, तो इसको मैंने चार्ज पे लगाया है 0 से। एक्साइड इन्वर्ट ट्यूबलर RT850 मॉडल नंबर है। दोस्तों एक्साइड का जो बैटरी होता है काफ़ी लॉन्ग लिस्टिंग होता है, ऐसे हम लोग जानते ही हैं। और इसका ये फैन जो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक मिनट भी रेस्ट नहीं कर रहा है, लगातार ये बैटरी को चार्ज करने के क्रम में इसका जो फैन है वो कंटिन्यू है। फैन में जो नॉइज है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स वीडियो लाते रहता हूँ। आप लोग कमेंट भी करें, आपके कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, उसको रिप्लाई देने का मैं पूरा कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी लगभग सुबह का टाइम हो चुका है, रात भर चार्ज होने के बाद अभी देख सकते हैं 3.27 इसने यूनिट को यूज़ किया है और वाटेज जो है अभी 375 पे आ गया, नहीं थोड़ा डाउन हो गया है। जो जो बैटरी चार्ज होते रहेगा तो इसका वाटेज जो है धीरे धीरे घटते रहेगा। आप देख सकते हैं 372 वाट के आसपास ये ले रहा है अभी, और सुबह का टाइम हो चुका है, यानी रात भर चार्ज हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये। फास्ट चार्जिंग इसका ऑन है। एम्पियर एक करेंट ले रहा है और पावर फैक्टर भी आप देख सकते हैं 0.86। दोस्तों क्या हुआ कि सुबह होने के साथ लाइट चली गई, जिस वजह से मैं इसके इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर सका। शायद ये बैटरी 80% तो ऑलमोस्ट चार्ज हो ही गया है, थोड़ा सा लाइन 2-3 घंटा और रहता तो ये बैटरी फुल चार्ज हो जाता। लगभग हम इसको कह के चलेंगे कि 5 वाट के आसपास बिजली का यूज़ कर लेगा बैटरी को फुल चार्ज करने में, हम श्योर नहीं है, बाकी जो हमको टेस्ट पता चला यही चला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और नए वीडियो में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाइट तो इसके बाद चली गई थी, इस बार यहाँ से हम आगे टेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सके। धन्यवाद दोस्तों।